हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज संडे है और संडे का आज का ये स्पेशल वीडियो है। आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है। एक्चुअली काफ़ी लंबे समय से मेरा तबीयत ख़राब है, अभी भी कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ है और धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन 100% सही नहीं हुआ है। लगभग 2 सप्ताह से मैंने कोई वीडियो नहीं दिया है। लास्ट संडे को मैंने एक छोटा सा वीडियो दिया था, उसके बाद इधर कोई चैप्टर वाला वीडियो मैंने नहीं दिया है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ वीडियो बनाने का, कम से कम कल से आप लोगों को एक एक वीडियो मिल जाए, मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं इतने दिनों से कोई वीडियो बना नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। हर यूट्यूबर चाहता है, सबसे पहला टारगेट उसका ये रहता है कि कम से कम उसका सब्सक्राइबर जो है 1K जल्दी से पूरा हो जाए। तो इतने समय में मैं काफ़ी मेहनत करके 1K सब्सक्राइबर मैं अचीव कर चुका हूँ, लेकिन इससे भी अभी कुछ होने जाने को नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैं इतने समय अपने लाइफ में देखता हूँ कि कुछ भी मैंने अभी तक वैसा कुछ भी अचीव नहीं किया। जिस तरह से एक टारगेट होता है और जिसको लोग गेन करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, उस तरह से मैंने कभी भी कुछ भी अचीव नहीं किया। और पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि 1K सब्सक्राइबर, जो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा काम था, फिर भी मैंने उसको, मुझे पूरा यकीन था कि मैं उसे कर पाऊँगा, कर लूँगा, और वो चीज़ आज कंप्लीट हो गया। मैं देख रहा हूँ कि 1K सब्सक्राइबर अब जो है पार हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसको और आगे बढ़ा सकता हूँ, इसमें काफ़ी दूर तक चल सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। और आप लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बगैर यह काम पूरा नहीं हो सकता था। ये तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, और इसी तरह से मैं और आगे पहुँचूँगा। इसके लिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें। मैं पूरी प्रयास करता हूं कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो दे सकूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक विशेष बात कहना चाह रहा हूं, और इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न यही है। तो क्या रीज़न है? एक्चुअली कई बार क्या होता है, कई बच्चे, मुझे पता नहीं कि वो बच्चे हैं, बड़े हैं, क्या हैं, लेकिन कई बार किसी आईडी से, मतलब जो सब्सक्राइबर होते हैं उसके यहाँ से गलत गलत कमेंट आता है, कुछ जो है गाली लिख के उसको कमेंट बॉक्स पे डाल देते हैं, इस तरह के। पता नहीं अब वो बच्चे हैं या क्या है, कौन है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से कोई बच्चा ही होगा। तो कुछ भी आप जो लिख कर डाल रहे हैं, निश्चित रूप से जो भी डाल रहे हैं वो सही नहीं है, और ये दर्शाता है कि आप एक असभ्य विचार के बच्चा हैं या व्यक्ति हैं जो इस तरह का गलत हरकत कर रहे हैं। अगर आप गाली दे रहे हैं किसी को, अब सीधे शब्दों में समझिए मैं जो बतला रहा हूँ, अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो एक्चुअली वो गाली उसे नहीं दे रहे हैं। सपोज आप मेरे आईडी में लिखे हैं, मुझे भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे ही गाली दे रहे हैं। तो मुझे गाली दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आप गाली दे रहे हैं, उसका वो तो डायरेक्ट वही चीज़ दिख रहा है कि मुझे आप गाली दे रहे हैं, लेकिन वो मुझे गाली दे रहे हैं वो डायरेक्ट तो दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आप किसको गाली दे रहे हैं? तो इनडायरेक्टली आप गाली दे रहे हैं अपने माँ बाप को। सीधा सा बात समझिए, क्योंकि आप किसके द्वारा सीख के आए? किसी भी बच्चे का सबसे पहला टीचर जो होता है उसका माँ बाप होता है। तो सबसे पहले आप कहाँ से सीखते हैं? आप सीखते हैं अपने माँ बाप से, वहाँ से सीखते हैं। तो वहाँ से सीखते हैं, तो आप अगर मुझे बोल रहे हैं इसका मतलब आपका संस्कार कहाँ से आया? तो जहाँ से आया आप उसी को गाली दे रहे हैं, क्योंकि वहीं से आप सीखे हैं। तो आप अगर हमें गाली दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने माँ बाप को गाली दे रहे हैं। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, रियल है, हकीकत है। क्योंकि आप अगर लगता है कि आप अपने माँ बाप को गाली देके खुश हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तब दे सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी लिख के उसको कमेंट कर देते हैं और फिर तुरंत वो बाद में उसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन मेरे पास वो चीज़ डिलीट नहीं होता है। वो सिर्फ मुझे पता चलता है कि जिसने भेजा है उसने डिलीट कर दिया, लेकिन मेरे पास वो दिखता रहता है। इसीलिए आप बच नहीं सकते, मतलब चोरी करेंगे तो पकड़े तो जाएंगे, लेकिन और क्या चीज़ है? आप किसको गाली दे रहे हैं आप अभी तक नहीं समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब मैं बतला रहा हूँ कि आप अपने माँ बाप को गाली दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने माँ बाप को गाली देकर खुश हो रहे हैं, तो फिर अच्छी बात है, आप गाली दीजिए अपने माँ बाप को, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप यहाँ पर कितना भी कमेंट कर लें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसके पीछे और एक रीज़न है कि लोग गाली क्यों देते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं बतलाऊंगा, अभी नहीं बतलाऊंगा, बाद में बतलाऊंगा क्यों देते हैं गाली।
बिल्कुल सटीक रीजन क्यों देते हैं बाद में बतलाऊंगा, पहला रीजन तो बतला दिया, क्यों देते हैं, किसको दे रहे हैं। तो यही कहूंगा कि अपनी आदत सुधार लें, अन्यथा क्या होगा ये भी मैं बतलाऊंगा, क्या होगा ये भी मैं बतलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं बतलाऊंगा क्योंकि सही समय आने पर ही बतलाऊंगा। तो अभी मैं आपको ये मौका दे रहा हूं कि आप अपने आप में सुधार कर लें, अन्यथा सुधार करने के लिए समय बहुत बड़ा हथियार होता है, बहुत बड़ा टीचर होता है। हम जिसको सुधार नहीं सकते, समय उसको सुधार देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही कहूँगा, और ज़रूर से अपनी आदतों को सुधार लें। इस तरह के कमेंट किसी भी चैनल में ना करें, बेहतर होगा, और अगर करना ही हो तो आप अकेले अकेले करें। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने अंदर सुधार लाएंगे। इसके अलावा एक बात और बता देना चाह रहा हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तो आप लोग कम से कम घर से बाहर निकलें। आवश्यकता नहीं पड़ने पर, अगर आवश्यकता ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें, और निकलें तो जो सुरक्षा के उपाय हैं, मास्क है, सैनिटाइजर है, वो सब अपने साथ रखें, तभी बाहर निकलें और जल्द से जल्द फिर घर के अंदर वापस आ जाएं। फिर से मैं आप लोगों से नेक्स्ट संडे को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।